मैं एक ऐसी कहानी शेयर करने चाह रही हूँ जो आपको मोटिवेट तो करेगी ही, साथ साथ ऐसी एजुकेशन देगी जो कहीं ना कहीं आपकी सोच को बदल देगी। ये एक कहानी आपके गोल को अचीव करने में आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। तो आइए जानते हैं ऐसी एक कहानी जिसका शीर्षक है चील और मुर्गी, मतलब द ईगल एंड हैन। एक जंगल में बरगद का एक पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक चील घोंसला बनाकर रहती थी, जहां उसने अंडे दे रखे थे। उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन उस चील के अंडों में से एक अंडा नीचे गिरा और मुर्गी के अंडों में जाकर मिल गया। समय बीता, अंडा फूटा और चील का बच्चा उस अंडे से निकला और वह यह सोचते बड़ा हुआ कि वो एक मुर्गी है। वो मुर्गी के बाकी बच्चों के साथ बड़ा हुआ। वह उन्हीं कामों को करता जिन्हें एक मुर्गी करती है। वो मुर्गी की तरह ही कुड़कुड़ाता, जमीन खोदकर दाने चुगता और वो जितना ही ऊंचा उड़ पाता जितना कि एक मुर्गी उड़ती है। एक दिन उसने आसमान में एक चील को देखा जो बड़ी शान से उड़ रही थी। उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा कि उस चिड़िया का क्या नाम है जो इतना ऊंचा बड़ी शान से उड़ रही है। मुर्गी ने जवाब दिया, वह एक चील है। फिर चील के बच्चे ने पूछा कि माँ, मैं इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ पाता। मुर्गी बोली, तुम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गे हो। उसने मुर्गी की बात मान ली और मुर्गे की जिंदगी जीता हुआ एक दिन मर गया। तो देखा बच्चों, ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि जो भी हम सोचते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो दूसरे हमें यह कहकर रोकते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, और हम अपना इरादा यह सोचकर बदल देते हैं कि वाकई मैं यह नहीं कर सकता और हार मान लेते हैं। इसका मुख्य कारण है अपने ऊपर भरोसा न होना, अपनी शक्तियों पर भरोसा न होना, अपने काम पर भरोसा न होना। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कहने दीजिए, लोगों का काम है कहना। अपने आप पर भरोसा रखें, अपने आप को पहचानें। दोस्तों, अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ जाते हैं। बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते।